बहुत सी फीमेल का प्रॉब्लम मोटापा नहीं होता है, उनके हिप्स और थाइस के पास जमने वाले फैट परेशानी का कारण होती है, जिसकी वजह से वो फिट नहीं नज़र आते। ऐसे में जिम जाने के बजाय ज़्यादातर लोग घरेलू उपाय या वर्कआउट करके इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो कुछ बहुत आसान आसन हैं जो आपके हिप्स की चर्बी को कम कर सकते हैं। आपने सुना होगा बटरफ्लाई तितली आसन, इसमें आपको मैट पर सुखासन में बैठ जाना है, अपनी सांसें नॉर्मल रखनी है धीरे धीरे, और दोनों हाथ के पंजों को पैरों के नीचे दबाकर धीरे धीरे पैरों को अप एंड डाउन करना है। यह तितली की तरह मूव करते हुए नजर आता है। ये आसन आप 5 से 10 मिनट तक के कर सकते हैं। इससे पेल्विक मसल्स को टोन करने में मदद मिलती है, हिप और थाई का फैट कम होता है, पेट पर भी अगर आसपास चर्बी जमी है तो वह रिमूव होगी। बैक पेन, अगर आपको बैक पेन की समस्या है तो उससे आराम मिलेगा। यह आसन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याओं से भी निजात दिलाती है, जैसे कि क्रैम्प्स, लोअर बॉडी पार्ट में तेज दर्द और बेचैनी, अनईजी लगना, इन सब में फायदेमंद है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि महिलाओं को ये आसन पीरियड्स के दौरान नहीं करना है। यह आपके थाइस के मसल्स को भी स्ट्रांग बनाते हैं, घुटनों पर एक्स्ट्रा दबाव नहीं पड़ता है, वेट कंट्रोल रहेगा और आपके लेग्स भी टोन होंगे, सबसे अच्छा लगेगा, आपको एनर्जेटिक फील होगा। सेकेंड है स्क्वाट पोजिशन, मलासन। इस आसन को करने के लिए आप एक स्थान पर खड़े हो जाएं और अपने पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप बना लें। घुटनों से पैर मोड़कर कुर्सी पर बैठने की पोजिशन में आ जाएं। घुटने पैरों से आगे नहीं आना चाहिए। आप स्क्वाट पोजिशन में जितनी देर खुद को रोक सकते हैं उतनी देर होल्ड करें। शुरुआत 5 के सेट से करें, उसके बाद बढ़ाते हुए 15 से 20 बार दोहरा सकते हैं और हर सेट के बाद 10 सेकंड का एक ब्रेक ले सकते हैं। आपको ये ध्यान जरूर देना चाहिए, कोई भी अगर आसन कर रहे हैं तो आपका भरा पेट नहीं होना चाहिए। खाने के बाद 2 से 3 घंटे का गैप जरूर करें, और सबसे बेहतर है अगर आप सवेरे कर रहे हों। ये 2 आसन आप प्रैक्टिस करें और आप खुद फर्क देखेंगे कि हाँ, आपके थाइस और हिप्स टोन हुए हैं और जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस हुआ है। थैंक यू।